بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على محمد رسول الله الكريم ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल एनालिसिस के इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल ऑफ द आर्गुमेंट चैप्टर से है। यहाँ पर हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे और अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फाइंड द फॉर्म ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू यू एक्स गिवन दैट यू नॉट इज इक्वल टू 8, यू वन इज इक्वल टू 11, यू फोर इज इक्वल टू 68, यू फाइव इज इक्वल टू 123। यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का यूज़ होगा। सबसे पहले तो हम उसी फार्मूले को यहाँ पर लिख देते हैं और इस जो गिवन वैल्यू है इसके लिए एक टेबल ही बनेगा, वो हम अगले पेज पर देख लेते हैं। फार्मूला जो यूज़ होगा यानी फंक्शन हमें लिखना है, हालांकि ये यू एक्स की फार्म में है लेकिन हम उसको जैसा कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है उसको एफ की फार्म में लिख रहे हैं, एफ एक्स की फार्म में लिख रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पर ये डिवाइडेड डिफरेंस एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स एक्स नॉट एक्स एक्स वन, यानी यहाँ वन तक आया तो आपकी वन आ गया ये। फिर एफ एक्स नॉट एक्स वन तो था ही हमारे पास, आपकी इसमें एक्स टू और शामिल हो जाएगा एक्स टू, और फिर प्लस नेक्स्ट टर्म यहाँ पर एक्स एक्स नॉट एक्स एक्स वन एक्स एक्स टू, और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आपकी और शामिल हो जाएगा, और प्लस एंड सो ऑन। अगर इसमें हम लिखें एक्स एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एंड सो ऑन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन। तो इस फार्मूले में देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर ज़ीरो है तो उधर वन आ जा रहा है, यहाँ पर अगर वन है तो ये टू तक जा रहा है, ये अगर टू है तो ये थ्री तक यहाँ पर ये हो रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पर एन माइनस वन है तो देखने की ये एन तक है। तो इसको हम अब फार्मूला यूज़ करना है, ये जिस फार्मूले का ये हम यूज़ करेंगे ये उस फार्मूले को अभी हम जिस वैल्यू में दे रखा है यानी यू की फार्म में वैसे भी लिखेंगे। जिस फार्मूले का नाम जो है उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। देखिए इस फार्मूले का हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर हो। तो ये वैल्यू जो भी हैं उनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगी, बनाना होगी। तो यहाँ पर हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो लिख दें द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, ये तब होती है जबकि जो एक्स की वैल्यू हमको गिवन है वो इक्वल इंटरवल पे ना हो। यानी देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू 0, 1, 4, 5 है तो ये बराबर दूरी पे नहीं है, 0, 1 के बीच में 1 का गैप है लेकिन 1 और 4 के बीच में 3 का गैप है, इक्वल नहीं है डिफरेंस। और जो फंक्शन दिया था वो हमारा यू एक्स फंक्शन है। तो सबसे पहले तो हम जो एक्स की जितनी वैल्यू दे रखी है उनको थोड़ी दूरी पे लिखेंगे, 0 पास में ना लिखें, थोड़ा सा गैप करके लिखें क्योंकि अगर टेबल बनेगी तो बात क्लियर हो जाएगी ऐसा क्यों। 1 और ये थोड़ा सा डिफरेंस, ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं करना है, 0, 1, 4 और 5 ये लिखें बस। ये हमें 4 वैल्यू दे रखी थी,
इन्हीं से हम लोग फाइंड करेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यू की दे रखी थी, फंक्शन की दे रखी थी। एक्स नॉट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमको, यानी एक्स बराबर ज़ीरो पर जो फंक्शन की वैल्यू हमको 8 के बराबर दे रखी है, ऐसी 1168 और 123 ये हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी है वो नोट कर लेते हैं, 8 है, 11, 68 एंड 123। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था, ये हमारी वैल्यू जो होती है वो एक्स नॉट होती है, ये एक्स वन होती है, और ये एक्स टू, और ये एक्स थ्री वैल्यू है। उसी के करस्पॉन्डिंग अगर इस वैल्यू को हैं, जिसको क्वेश्चन में भी यू एक्स नॉट या फिर हम इसे एक्स नॉट की वैल्यू ही ज़ीरो रख दी गई, यानी एक्स की जगह पर एक्स नॉट लिखें, और एक्स नॉट की वैल्यू चूँकि ज़ीरो है तो ये यू ज़ीरो से डिनोट किया है। इसको यहाँ पर यू एक्स वन भी कह सकते हैं, और लेकिन एक्स वन की वैल्यू वन के इक्वल है तो एक्स वन की यहाँ पर वन कर दें, यू वन से डिनोट किया गया, इसको यू टू से, और इसको यू थ्री से डिनोट किया गया। सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिवाइडेड डिफरेंस यू एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इस वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, सबसे पहले तो आप क्या करें कि जो ऊपर वैल्यू लिखी है न्यूमरेटर में हम लिखेंगे, यानी 11 में से 8 को माइनस करेंगे, इसे न्यूमरेटर बनाना होता है, और डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे, जो वैल्यू यहाँ से आ रही है यानी 11 आ रहा है 1 से, उसे आप पहले लिखें 11 के नीचे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और ये 8 कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है 0 से, तो 0 से आ रहा है, तो इससे यहाँ पर लिख देंगे, इनका डिफरेंस जो है वो 3 है, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो आ रही है वो 3 के इक्वल लग देंगे। इसे थोड़ा सा गैप करके बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही फिर यहाँ पर भी हमें लिखना होता है, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करना होती है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे तो इसे दिखा दें ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेबल में ही गलती भी नहीं होगी। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, 68 जा रही है 4 से, तो 4 इसके नीचे लिखें, माइनस ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, 11 जा रही 1 से, तो 1 इसके नीचे लिख दें, ये डिफरेंस यहाँ पर 3 आएगा अपान में, और ऊपर जो आएगा वो 7 और 557 अपान 3, तो ये 3 से कैंसिल करेंगे 57 को, तो 19 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ऐसे फिर हम नेक्स्ट में पहुंचेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे 123 में से माइनस करेंगे 68, और ये 123 आ रहा है 5 से, 5 इसके नीचे लिख देंगे, माइनस 68 आ रहा है 4 से, 4 लिखेंगे, डिफरेंस 1 है तो ऊपर जो वैल्यू है घटाने पर वही हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर 11 में से 6 जाएगा तो 55 आ गया ये। अब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस नहीं, डेल स्क्वायर यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो फिर हम यहाँ पर इसी तरीके से माइनस करना होता है, यानी 19 में से 3 को, लेकिन ये ध्यान रहे कि 19 जो है वो हमारा यहाँ पर कहाँ से मिल रहा है हमको, ये आ रहा देखिए यहाँ से, और ये आ रहा है यहाँ पर 4 से, ऐसे ही 3 कहाँ से आ रहा है, सबसे ऊपर वाले से, इधर एक्सट्रीम हम ऊपर की तरफ चलेंगे, इधर एक्सट्रीम हम नीचे की तरफ चलेंगे, इनको डिफरेंस, इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, ये 16/4 यानी सॉल्व करने पर 4 आ जाएगा। ऐसे ही इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, 55 में से 19 को माइनस कर लेंगे, 55 के यहाँ से आ रहा है, यानी यहाँ से आ रहा है, यानी जो अपने इधर बना रखा है ऐसे डॉटेड लाइन, ये सबसे एक्सट्रीम नीचे की तरफ चलना है, इसमें 5 से आ रहा है ये, और इधर 55 के बाद 19 यहाँ से आ रहा है, उसको हम उसी ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी ये आ रहा है ये वाली लाइन देखिए यहाँ से, और ये 1 से यहाँ बन लिख देंगे, 4 बचेगा डिफरेंस, और ऊपर ये माइनस करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ पर 4 है, 4 में 3 34, यानी कैलकुलेशन कर ले हम लोग ठीक से, यानी 55 रफ पे कर लेते हैं, 55 में से 19 को माइनस करेंगे तो ये 6 आएगा, सॉरी, और ये यहाँ पर 4
फोर में से जाएगा 336 और अपान में 4 था, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये काम रफ पे कर लें, बस यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट, ये लाइन तभी बनाया करें जब ये कंप्लीट हो जाए कैलकुलेशन, और बाकी इतना लिखने के बाद तो ये कैलकुलेशन जैसे है उसको आप चाहें तो फिर रफ पे करें, डायरेक्ट कर सकें आप तो डायरेक्ट कर लें। डेल क्यू यू एक्स यानी यहाँ पर थर्ड डिवाइड डिफरेंस है ये डेल्टा क्यू यानी डिवाइडेड डेल्टा क्यू है यू एक्स की वैल्यू, उसमें ये दो ही वैल्यू हैं तो ये बाद वाली वैल्यू में से माइनस कर देंगे पहले वाली वैल्यू, लेकिन देखना होगी ये बाद वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कहाँ से, ये 9 यहाँ से ही, तो आपको इस वैल्यू को नीचे की तरफ जाना है और ये आ रहा है उससे वैल्यू एक्स की वैल्यू 5 से आ रहा है माइनस, और ये ऊपर ये 4 है ये यहाँ से आ रहा है तो आपको ये ऊपर ही जाना है और ये ऊपर ये यहाँ पर 0 है तो इधर 0 लिखना पड़ेगा। ये 5 ऊपर नीचे 5 है तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। अब जो हम डिवाइडेड डिफरेंस का जो फार्मूला भी यूज़ किया न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का, उसमें ये वैल्यू यूज़ करना होती है जो यहाँ पर शुरू में होती है 8 है, उसके बाद ये 3 वैल्यू है, ये 4 है और ये वैल्यू आई है सॉल्व होने के बाद 1, इन्हीं वैल्यू का यूज़ होता है। तो आप चाहें तो यू के फार्म में इसको लिखें या हम डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं यू के लिए, यानी वहाँ पर एफ के यहाँ पर बस यू आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं वाई न्यूटन्स डिवाइडेड, यानी एफ एक्स की फार्म में हम पहले ही फार्मूला लिख चुके हैं डिफरेंस फार्मूला, वो हम बताना था कि टेबल हम क्यों बना रहे हैं इसलिए उस फार्मूले के लिखा। अब सवाल टेबल पहले बनाया उसके बाद लिख दें, आप चाहे फार्मूले को यू की फार्म में लिख दें, यू एक्स की फार्म में फंक्शन चाहिए तो अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं ये यू एक्स नॉट और प्लस फिर क्या होता है एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर उसके बाद यहाँ पर चाहे उस तरीके से लिख दें एफ एक्स नॉट एक्स वन, या फिर आपका ये डिवाइडेड की फार्म में फंक्शन होगा इस तरीके से यू एक्स नॉट, ऐसे भी कर सकते हैं इसको प्लस एक एक बढ़ाते जाएँ एक्स एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स वन, और फिर यहाँ पर सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस यू एक्स नॉट और थर्ड तक है बस यहाँ पर एक्स एक्स नॉट एक्स एक्स वन एंड एक्स माइनस एक्स टू और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस यू एक्स नॉट, हालाँकि एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो हमें बताई दी है कि एक्स नॉट की वैल्यू 0 के बराबर है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा देंगे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, एक्स नॉट के यहाँ पर 0 लिख दें प्लस एक्स नॉट की वैल्यू 0 और ये हो जाएगा यू एक्स नॉट और प्लस एक्स एक्स नॉट की वैल्यू 0 है और एक्स वन की वैल्यू देख लीजिए टेबल में लिख दी थी हमने 1 के इक्वल है और यानी एक्स वन की वैल्यू ये 1 के इक्वल है उसको लिख देंगे और ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस यू एक्स नॉट की वैल्यू 0 के इक्वल है प्लस एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस का 4 है एक्स टू की वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल है और ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है जगह नहीं हमारे पास तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में नीचे लिख दे रहे हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस यू एक्स नॉट ये, और इन सभी वे वैल्यू जो हैं वो हमारी यू नॉट की वैल्यू तो 8 है और इस वैल्यू को अगर हम दें नाम तो ये हमारा ये वैल्यू है ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यू नॉट की वैल्यू है, इन वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे सारी वैल्यू को यहाँ पर नोट करना है तो यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू तो 8 है 8 हो जाएगा और प्लस एक्स प्लस इनटू और इसकी वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू को ये 3 है उसको यहाँ पर लिख देंगे इस वैल्यू को लिख देंगे और प्लस एक्स इनटू एक्स माइनस का 1 उसकी वैल्यू को 3 के बाद ये वैल्यू जो है वो जो 4 वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख देंगे और प्लस एक्स लिखने के बाद ये
x माइनस वन है और x माइनस फोर है, और इसकी वैल्यू को यहाँ पर डैश में बन रह गया। पहले हमने 8 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, आपकी लास्ट में 1 लिख देंगे। यानी इन वैल्यू का यूज़ किया है टेबल से, 8, 3, 4 और 1। बस अब इनका कैलकुलेशन कर लेना, हमारा आंसर यानी वैल्यू मिल जाएगी। यू एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस का 3x प्लस का, इनका आपस में आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4x का इन दोनों प्राइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा। हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 4x का इस ब्रैकेट के अंदर। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई x का इन दोनों का आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 हो जाएगा। फिर x का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तब तक हम इनको लिख लेते हैं। एक्स 4x स्क्वायर को लिख दिया, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का एक्स बचा, प्लस का ये 8 है उसको लिख दिया। और अब एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब और माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 4x। तो इस तरीके से यू एक्स की फार्म आ जाएगी, हमें मिलेगी एक्स क्यूब, सबसे बड़ा पावर कटर में एक्स क्यूब, इनका डिफरेंस माइनस का एक्स स्क्वायर है 5 और 4 का, और यहाँ पर 4x है और ये x माइनस हो जाएगा तो प्लस का बचेगा 3x प्लस का 8 है वो लिख देंगे। ये कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, यानी जो फंक्शन है वो मिल चुका है, जिसमें अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू 8 मिलेगी, और इस तरीके से 1 रखेंगे तो 11 मिलेगा। इस तरीके से सारी वैल्यू इस फंक्शन से के अकॉर्डिंग ही होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वा आखिर दावाना अलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन।